दुष्प्रचार करने और अश्लील हरकत करने के मामले में सैनी सभा के प्रधान श्रीराम सैनी का पुत्र गगन सैनी चड्ढा पुलिस के हत्थे। थाना शहर नारनौल की पुलिस टीम ने गगन सैनी को किया गिरफ्तार। आरोपित को न्यायालय में पेश कर भेजा गया 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल, मैं संजय कौशिक। दुष्प्रचार करने के आरोपी गगन सैनी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी को शहर थाना नारनौल की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि एक महिला के द्वारा थाना शहर नारनौल में शिकायत दी गई थी कि नारनौल के नजदीक एक गांव में उसका ससुराल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी 14 जनवरी को उसके ससुराल आया था और उसके साथ अश्लील हरकतें की और उनके शिक्षण संस्थान की छवि को खराब करने के लिए पर्चे बांटने की धमकी भी दी, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकाया। महेंद्रगढ़ पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के छुट्टी होने पर इस मामले की जांच के लिए डीएसपी मोहम्मद जमाल को मामला सौंपा गया था। इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और डीएसपी द्वारा की गई जांच के दौरान आरोपी पर लगे गए सभी आरोप सही पाए गए थे। इसके अलावा पीड़िता की इज्जत खराब करने और छवि खराब करने के मामले मकसद से बांटे गए पर्चों का आरोप भी सही पाया गया। बाद में इस मामले में पंचायत की गई और आरोपी ने पंचायत में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया और लिखित में माफीनामा भी दिया था, जिसके बाद मामले को थाना शहर नारनौल के सदर के नारनौल निरीक्षक प्रवीण कुमार को सौंपा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय को आरोपी को दोषी मानते हुए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।